नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम और राजनीति की बातें। मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव है और नवंबर में वोट पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उसमें टिकटों को लेकर जद्दोजहद है। कई चेहरे सामने आए हैं, लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर विधानसभा क्षेत्र की, जहां एक परिवार से चार लोगों ने दावेदारी की है। हालांकि दो लोगों ने कांग्रेस से दावेदारी की है तो दो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी की है। चार दावेदारों के अलावा एक इनके समाज सेवी रिश्तेदार भी हैं, जो भी दावेदारी कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से। तो सियासत के इस खेल में क्या एक ही परिवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? क्या एक ही परिवार है जो सागर में सियासत, समाजवाद और राजनीति करता है? क्या किसी दूसरे का हक नहीं कि वो इस विधानसभा से टिकट मांग सके? तो सागर एक्सप्रेस न्यूज की ये खास खबर देखें। मध्य प्रदेश की सागर विधानसभा, जहां 1985 से इस सीट पर जैनों का कब्जा रहा है, इस दफा भी एक सियासी जैन परिवार ने इस सीट के अलावा देवरी विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकी है। आपको जानकर यह अचरज होगा कि इस परिवार के चार सदस्यों ने अलग अलग पार्टियों से अपनी दावेदारी ठोकी है, जिसमें तीन सदस्य, जिसमें दो महिलाएं शामिल हैं, वो कांग्रेस से सागर विधानसभा और देवरी की विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। तो इसी परिवार के एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी की सागर विधानसभा से अपनी टिकट और जीत पक्की समझ रहे हैं। यह सियासी जैन परिवार सागर में ढोलक परिवार के नाम से जाना जाता है, जिस परिवार से वर्तमान में भाजपा के विधायक शैलेंद्र जैन हैं। विधायक के छोटे भाई सुनील जैन 1993 में देवरी विधानसभा से विधायक रहे थे। वह सागर और देवरी से कांग्रेस के पाले से चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर दावेदारी कर रहे हैं। एक ही परिवार से कई दावेदार उभर के आ रहे हैं, ये बात सही है। ये अकेला हमारा परिवार नहीं है। अब आप इस चैनल को उठाएंगे तो आप लेंगे पूरे मध्य प्रदेश हो, ऑल ओवर इंडिया हो, कहीं ये हो जाता है कि विधायक के दो दावेदार हो, तीन दावेदार, मान लिए हो सकता है कोई जिला पंचायत में चला गया हो, कोई विधायकी में चला गया हो, कोई लोकसभा के लिए चला गया हो, कोई संगठन के जिला के प्रमुख में बैठा हो, है कि नहीं ऐसा? ये सागर में तो ऐसा रिकॉर्ड उठा लो, सागर क्या उठा लो, पूरे मध्य प्रदेश में मिलेंगे, सारे परिवारों में मिलेंगे। हमारे परिवार का मैटर इस कुछ इस तरह का है कि हम लोग बहुत सामाजिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। मतलब हमारा इस सुबह से लेकर शाम तक एक ही कार्य होता है कि हम लोग जनता के लिए जीते हैं। कोई भी कार्य हो, जरूरी नहीं है कि हम विधायक हैं, ना होते हुए भी हम इस तरह का कार्य करते हैं। सुनील जैन की पत्नी निधि जैन, जो एक निजी अखबार की संपादक हैं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए सागर विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं। इस परिवार में वर्तमान भाजपा के विधायक शैलेंद्र जैन की उलझनें उस वक्त बढ़ गईं जब उनकी पूर्व पत्नी और कांग्रेस की पुरानी नेता मीनाक्षी जैन ने कांग्रेस से सागर विधानसभा से टिकट की दावेदारी ठोक दी है। अगर हम दावेदारी पेश करते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो उनको थोड़ा इफेक्ट तो होगा। ये पूर्ण रूप से मेरा स्वयं का निर्णय है, इसलिए इसमें किसी का कोई दखलंदाज नहीं। मुद्दे अपने जन समस्याओं को लेके मुद्दे रहेंगे, पारिवारिक मुद्दे तो खत्म हो जाते हैं। बनाएंगे अभय दरे जी चुनाव लड़े थे ये कह के कि मैं इसको स्मार्ट सिटी बनाऊंगा और तालाब के आर पार मैं ब्रिज बनाऊंगा, कहीं दिख रहा है? मुद्दे बहुत है भाजपा के अगेंस्ट खड़े होकर लड़ने के लिए। इतना ही नहीं, इस परिवार के नाते रिश्तेदार और शहर के समाज से भी उद्योगपति कपिल मलैया ने भी कमल दल से अपनी दावेदारी ठोकी है। बताया जाता है कि उन्हें एक आध्यात्मिक संत श्री श्री रविशंकर गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त है, जो सीधे सीधे उन्हें दिल्ली भाजपा आला कमान से जोड़ता है। देखिए, मैं पिछले 15 वर्षों से समाज सेवा काफी गति से कर रहा हूँ और इसके फलस्वरूप बार बार अभी जोर से मांग आ रही थी लोगों की कि मेरे को राजनीति में आकर समाज सेवा को और ज़्यादा गति देना चाहिए। इसके लिए मैंने सभी अखबारों के माध्यम से एक राय मांगी थी जनता की, जिसमें 10 घंटे के अंदर मेरे पास
10,000 से ज्यादा लोगों ने यह मत दिया कि मेरे को राजनीति में जरूर आना चाहिए। इन तमाम चीजों के बीच इस परिवार की दावेदारी के किस्से अब सागर की सड़कों पर आम हो गए हैं। इस दावेदारी और परिवार की खींचतान से इस ढोलक परिवार की राजनीतिक जमीन भी खिसकती दिख रही है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सियासत के इस परिवार बात पर मुझे किसी शायर का शेर याद आता है कि तुम ही जिंदा हो और तुम ही मरने का ढोंग करते हो, जब तुम ही सब कुछ करते हो तो हमसे क्यों डरते हो। सियासत के इस खेल में फिलहाल इतना ही। किसी और खबर, किसी और मुद्दे में आपसे चर्चा होगी, आपके सामने होंगे, आपके साथ होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।